नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। सिवनी, भय और लालच के दम पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने का मामला उजागर। चार आरोपियों पर पुलिस ने दर्ज की FIR, गिरफ्तार कर भेजे गए जेल। धारा 295A, 34 व मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 5 के तहत दर्ज हुआ मामला। सामाजिक संगठन धर्म रक्षा सेना की सक्रियता के चलते उजागर हुआ मामला। उगली थाना अंतर्गत पांड्या छपारा गांव का मामला। सिवनी जिले के उगली थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम पांड्या छपारा में विगत दिवस ईसाई मिशनरियों द्वारा एक गरीब परिवार को इलाज के नाम पर आश्वासन देते हुए तरह तरह के भय और प्रलोभन दिए गए तथा उन पर जबरन धर्म परिवर्तन करने का दबाव डाला गया, जिसके बाद उक्त हिंदू परिवार द्वारा उगली थाने में की गई शिकायत और सामाजिक संगठन धर्म रक्षा सेना की सक्रियता के बाद पुलिस द्वारा जबरन धर्म परिवर्तन करवाने के आरोप में ईसाई धर्म प्रचारक चार लोगों के खिलाफ IPC की धारा 295A, 34 एवं मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 की धारा 5 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर सभी आरोपियों को जेल पहुंचा दिया गया। समस्या वही बेटी मतलब मानसिक से पीड़ित है, वो मेरे घर आए, मैंने मेरे से पूछे कि क्या हुआ है, तो मैंने बताई कि ऐसी ऐसी स्थिति हुई है मेरी बच्ची को, यानी मतलब बहुत इलाज करवाई ठीक नहीं हुई, तो इन लोगों ने बोले कि आप ईसाई धर्म में जाओगे तो तुम्हारी बच्ची ठीक हो जाएगी। मेरे को प्रलोभन दिए और मैंने मतलब दुआ करेंगे प्रार्थना करेंगे बोले उनने, तो मैंने मेरे को कुछ ऐसा समझता नहीं था ऐसा। फिर बाद में बोले कि तुम लोग इस धर्म को परिवर्तन कैसे प्रभु को मानोगे, सभी भगवान भगवान को बिल्कुल नहीं मनाना है, कुछ नहीं करना है। इस प्रकार से उनने बोले कि तुम उस धर्म में जाओगे तुम्हारी बच्ची ठीक हो जाएगी, ये प्रलोभन दिए मेरे को। और फिर मेरे घर में आए और मेरे को धर्म परिवर्तन करने के लिए बोले, तो मुझे आपत्ति थी अपने धर्म को, मैं मतलब वो नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने अपने प्रभारी थाना प्रभारी में आकर के रिपोर्ट। सूचना मिल रही थी कि उगली क्षेत्र में धर्मांतरण का कार्य बहुत जोरों से चल रहा है, जिसका हमने पूर्व में भी प्रशासन को सांकेतिक रूप से आगाह कर दिए थे। आज लगभग 1 बजे पांड्या छपारा में पूर्वंता भाई के यहाँ कुछ ईसाई लोग पहुँचे और उनकी बेटी का इलाज करने के बहाने धर्मांतरण की बात कह रहे थे। जैसा कि हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा मुझे सूचना मिली, साकेत टेमरे, पूनाराम चौधरी जी, मनोज हंगडाले और अन्य कार्यकर्ताओं ने मुझे फ़ोन में सूचना दी कि पूर्वंता भाई के यहाँ ईसाई लोग धर्मांतरण करने का और कुछ प्रयास कर रहे हैं। तब हम तत्काल वहाँ पहुँचे और थाना प्रभारी को इसकी सूचना दी और लिखित आवेदन देके हमने कार्रवाई की मांग की है। ऐसे लोगों पर हम शासन और प्रशासन से मांग करते हैं कि कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए, ताकि शोषित और पीड़ित लोगों को एक धर्म के माध्यम से प्रलोभन देके धर्मांतरण का कार्य न किया जाए। इस कारण मैं हमारे उगली मंडल के मंडल अध्यक्ष हमारे भाई संजय उके जी और पूर्व मंडल अध्यक्ष भाई त्र्यंबक शरण मिश्रा जी भी मौके पे पहुँचे हैं और हमने पुलिस से आग्रह किया है कि ऐसे धर्मांतरण करने वाले लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। पांड्या छपारे की महिला प्राचिया द्वारा धर्मांतरण के विरोध में एक शिकायत की गई है, जिसकी जांच की जा रही है। जांच उपरांत आपको अग्रिम कार्रवाई के संबंध में बताया जाएगा। खबर समय जगत के लिए सिवनी से ब्यूरो चीफ नरेंद्र सोनी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.